एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जर्मन लाइफ देसी स्टाइल। तो आज है हमारा डे टू इन पेरिस और अभी हम एक बहुत ही एडवेंचरस जगह पे जा रहे हैं जो कि मुझे बहुत फैसिनेट करती है और मेरा बहुत ही जाने का वहाँ पे मन था। और अगर आपने गेस किया हो या नहीं किया, चलो मैं आपको बता देता हूँ, आज हम जा रहे हैं डिज्नीलैंड पेरिस। तो आज का जो दिन है पूरा मस्ती से भरा होने वाला है, हम बहुत सारी राइड्स करेंगे और भी अलग अलग, शायद आज हम डिज्नी कैसल भी देखेंगे और वहाँ पे शाम को 5:30 परेड होती है तो हम वो भी अटेंड करेंगे और अराउंड 9 और 9:30 एक लेज़र शो होता है या लाइटिंग शो हम बोल सकते हैं, तो हम वो भी कोशिश करेंगे कि हम वो भी अटेंड करें। तो बेसिकली आज का जो फुल व्लॉग होगा और फुल डे होगा वो हम डिज्नीलैंड पेरिस में ही स्पेंड करने वाले हैं। तो अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो क्योंकि ये डे टू है तो अगर आपने डे वन का व्लॉग नहीं देखा हमारा पेरिस का तो आप पहले वो चेकआउट कर सकते हैं एंड देन यू कैन वॉच दिस डे टू व्लॉग इन पेरिस। तो अभी बस हम मेट्रो की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से हमें एक मेट्रो चेंज करने के बाद हम डायरेक्टली डिज्नीलैंड पेरिस पहुँच जाएंगे। और लेकिन बेसिकली हमें लग जाएगा ऑलमोस्ट 1 से 1.25 घंटा वहाँ पहुँचने में और अभी सुबह के बजे हैं 8:15 और डिज्नीलैंड पेरिस खुलेगा 9:30 पे, तो हम नियर अबाउट सेम टाइम पे वहाँ पहुँच जाएंगे। और अभी दिखाते हैं आपको वहाँ जाके कि वहाँ का माहौल कैसा है और कैसा लगता है डिज्नीलैंड पेरिस अंदर से। हमने RERA ली है तो यहाँ पे RERA भी डिफरेंट नाम से चलती है। तो जो आपको डिज्नीलैंड के लिए लेनी है वो है चेसी रूट वाली, जिसका एंड स्टेशन चेसी है, तो आप वो लेके डायरेक्टली आपको डिज्नीलैंड पे ही पहुँचाएगी। तो होपफुली आप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी रूट ढूंढने में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इस मेट्रो स्टेशन से बाहर आए और बाहर आते ही हमें डिज्नीलैंड की एंट्री देखने को मिली। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने आप देख सकते हो कि क्यों है, लोग लाइन में लगे हैं अंदर जाने के लिए। और ये रही डिज्नीलैंड की एंट्री। अब हम आ चुके हैं डिज्नीलैंड पेरिस में और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है डिज्नीलैंड पेरिस और हमने अपनी टिकट ऑनलाइन पहले बुक कर ली थी। एक टिकट की कॉस्ट हमें पड़ी है 62 यूरोस फॉर वन पर्सन एंड अगर आप एडवांस में बुक करोगे तो बेटर रहेगा, यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग क्यू लग जाती है, टाइम सेविंग रहेगा। और यहाँ पे दो पार्क हैं, हमने डिज्नीलैंड पार्क की टिकट ली है, यहाँ पे एक स्टूडियो पार्क है उसकी टिकट हमने नहीं ली है। तो अगर डिपेंड करता है, जैसे इसमें सारी राइड्स जो हमें मेनली हमें राइड्स का शौक है तो हम राइड्स में जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा अलग टाइप की चीज़ें हैं तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो आज पूरा दिन हम यहीं पे बिताएंगे। तो आप चाहे एक पार्क की टिकट लो चाहे आप अपनी मर्जी है तो दो पार्क की टिकट भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर अवेलेबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम। तो हमें एक दिन सफिशेंट लगा यहाँ बिताने के लिए, इसलिए हमने एक ही दिन की टिकट ली है। एंड हम आपको वेबसाइट का लिंक भी दे देंगे जहाँ से आप अपने लिए टिकट्स बुक कर सकते हो एडवांस में। सो अब हम चलते हैं अंदर, आप भी चलो एंड खूब इन्जॉय करेंगे, कम ऑन। हम खड़े हैं अब डिज्नीलैंड पार्क के बाहर, ये कितना सुंदर लग रहा है, मतलब एकदम पिंक और मेरा फेवरेट कलर भी है पिंक। एंड अभी तक लाइक ऐसे वाले कैसल्स मैंने सिर्फ कार्टून्स में देखे थे, मूवीज में देखे थे और सच में लग रहा है कि वी आर इनसाइड अ मूवी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आई एम सो एक्साइटेड एंड राइड्स के लिए शायद मैं एक्साइटेड नहीं हूँ लेकिन इसको देखे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है डिज्नीलैंड पेरिस का अंदर का व्यू, है ना, बहुत ही फेरी टेल टाइप्स।
यहाँ से हमें दिखा वो फेरी टेल कैसल जो हम अभी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे आगे चल के। सच अ लवली व्यू। फाइनली वी आर एंटरिंग दिस अमेजिंग कैसल। Are you liking it, Roo? इतना तेज नहीं है वैसे, स्पीड नॉर्मल है इसकी। तो अभी हम चलेंगे इसके बाद अपने नेक्स्ट राइड में। ये जो आप देख रहे हो ये फ्लाइट है या मिसाइल है, ये उस तरीके की राइड है और बहुत ही अच्छी लग रही है। स्पीड भी नॉर्मल है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा ना बहुत ही ज़्यादा है। रूप को हालांकि डर लग रहा है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस राइड। This is how the ride looks like. So now we are going to our next ride. इसका नाम है हाइपर स्पेस माउंटेन। बट यहाँ पे हमें ड्रॉबैक ये लगा कि क्यू बहुत लंबी है, बहुत ही ज़्यादा लोग हैं लाइन में और जो राइड मिलती है वो सिर्फ एक मिनट के लिए मिलती है, नियरली वन मिनट बेसिकली। तो मैं आपको लाइन दिखाता हूँ कितनी लंबी लाइन है और सिर्फ उस एक मिनट की राइड लेने के लिए हमें इतनी लंबी क्यू पार करनी पड़ी। तो आप लोग देख सकते हो कि कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे। तो ये हाइपर स्पेस माउंटेन जो राइड है इसको लेने के लिए, वैसे तो हर राइड में ही बहुत टाइम लग रहा है, तो अभी हमें इतनी लंबी लाइन पार करके फिर जाना पड़ेगा।
तो अभी हम लेने वाले हैं ये वाली राइड जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं रोड पे, बहुत अच्छी अच्छी क्यूट सी गाड़ियाँ हैं अलग अलग कलर्स की। और अभी फाइनली हमें ये रूप के लेवल की एक राइड मिली है जिसमें रूप ड्राइव करेगी, मैं उसके साथ बैठूंगा और देखते हैं कैसी रहेगी ये राइड। सो फाइनली रूप कार ड्राइव करती हुई, मैं आपको फ्रंट का नज़ारा भी दिखाता हूँ। बहुत ही क्यूट सी पिंक कलर की हमें कार मिली है, जो मुझे लग रहा है मुझे जर्मन लाइसेंस कभी नहीं मिलेगा। गुड वन गुड वन। अभी हम आपको अपने साथ वाले दिखाते हैं जो कार चला रहे हैं हमारे साथ। ये अच्छी प्यारी सी राइड है वैसे, हाँ ये तो है। नहीं चल चलने दे। ओ वाओ ये अलग रूट है यार हमारा वाला। अच्छा हम भी आएंगे इस रूट पे आई थिंक। लेट्स सी लेट्स सी। इतना चलने के बाद और राइड्स का फन करने के बाद अब भूख लग गया हमें, तो हमने ऑर्डर किया एक पिज़्ज़ा और दो पास्ता। तो ये पिज़्ज़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मिकी के शेप का पिज़्ज़ा है, मैं पहली बार खाया, पहले कभी मैंने खाया नहीं है। तो अभी हमने कुछ राइड्स ले ली हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार रही, हमने कुछ राइड्स ले ली हैं और कुछ राइड्स अभी हम और लेंगे। और ये देखिए पीछे इतना प्यारा सा व्यू है, ये डिज्नीलैंड पेरिस कैसल, और ये हम आपको बाकी का भी व्यू दिखा रहे हैं धीरे धीरे से। बहुत ही अमेजिंग जगह है गाइस ये, अगर आपको मौका मिले या फिर अगर आप पेरिस का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो यहाँ ज़रूर आना, बहुत ही प्यारी जगह है। एक दिन अपना डिज्नीलैंड में ज़रूर 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 बिताएं। यस वन टाइम एक्सपीरियंस, इट्स अ वेरी वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। तो अभी हम कुछ और राइड्स लेने जा रहे हैं और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और आप फिर बताना कि आपको इन सारी राइड्स में से कौन सी राइड अच्छी लगी। कुछ राइड्स हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल एक थी हाइपर स्पेस माउंटेन समथिंग लाइक दैट, तो उसमें काफ़ी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी तो हमने उसको रिकॉर्ड करना सही नहीं समझा, ठीक है। तो हाँ क्योंकि हम सिर्फ मैंने ली थी, रूप नहीं ले पाई क्योंकि स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन बहुत मज़ेदार राइड थी और स्पीड की वजह से मैं उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, लेकिन बहुत ही आई थिंक वो टॉप 3 राइड्स में से आती है यहाँ की और बहुत ही अमेजिंग राइड थी। और एक चीज़ और, अगर आप डिज्नीलैंड आओ तो जितना अर्ली हो सके आ जाना। यस यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हर राइड पे मिनिमम आपको 30-45 मिनट ऑफ वेटिंग टाइम होगा, एटलीस्ट बोल रहे हैं कभी, क्योंकि कुछ कुछ राइड में हमें एक एक घंटा भी वेट करना पड़ा है। राइट तो अगर आप 9:30 खुलता है तो अगर आप 9:30 यहाँ पहुँच जाओ तो आपके लिए बेटर रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ राइड्स ले पाओगे और जैसे ही आप आओगे तो शुरू में मॉर्निंग में आप कुछ ज़्यादा राइड्स कवर कर पाओगे जहाँ पे भीड़ नहीं होगी।
तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। आप हमारे पीछे इतनी ज्यादा भीड़ है, मतलब आप देख ही सकते हो वर्किंग डे है फिर भी इतनी ज्यादा भीड़ है, तो अगर आप नॉन वर्किंग डे पे आओगे तो आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा मिलेगी। यस, और वैसे जैसे हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात करी, यहाँ के डिज्नी के जो एम्प्लॉइज हैं बेसिकली, वो ये बता रहे थे कि आई मीन एवरी डे इतनी ही भीड़ रहती है, तो थोड़ी एवरेज आई गेस 40,000 लोग आते हैं रोज। यस, एवरी डे 40,000 विजिटर्स, कितना ज्यादा वेटिंग टाइम होगा। हाँ जी, तो यही आपके साथ शेयर करना था ताकि आप अकॉर्डिंगली अपना ट्रिप प्लान कर सको। और एक और एडवाइस है, बाकी ऑब्वियसली आपको जैसा ठीक लगे, आप अपने बेसिस पे आरएनडी करोगे तो आप उस हिसाब से कर सकते हो, बट आप आई थिंक एक दिन में दोनों पार्क कवर करना काफ़ी मुश्किल है अगर आप अच्छे से इंजॉय करना चाहते हो और राइड्स भी लेना चाहते हो। तो कोशिश ये करना, या तो दो दिन हो और आपके पास अगर दोनों पार्क घूमने हैं, तो अदरवाइज आप एक ही दिन का प्लान कर रहे हो तो ट्राई टू कवर ओनली वन पार्क, क्योंकि जल्दबाजी में फिर आप शायद दोनों का ही मजा नहीं ले पाओगे और आपको बहुत सारी चीज़ें मिस करनी पड़ेंगी। तो अभी हम हैं फैंटम हाउस के बाहर, बेसिकली इसका दरवाज़ा बंद है और थोड़ी देर में दरवाज़ा खुलेगा और फिर हम दिखाते हैं आपको अंदर का व्यू। ये क्रूज फ्रंटियर लैंड के अंदर है और ये फैंटम हाउस के बिल्कुल सामने है, तो अगर आप इसको इसका मजा लेना चाहते हो तो बेसिकली 5 बजे क्लोज हो जाता है, तो 5 बजे से पहले पहले आप इस क्रूज का मजा ले सकते हो। तो अभी हम एडवेंचर लैंड के अंदर पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के सामने खड़े हैं। ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे अंदर पता चला है कि एक बोटिंग टूर है जो कि हमें एक पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की दुनिया में लेके जाएगा और हमें वैसा वाला ही एक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो अभी हम अंदर चलते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसा रहा ये हमारा टूर। तो अभी हम ये बोटिंग कर रहे हैं और देखते हैं कैसा रहता एक्सपीरियंस। People are actually sitting and eating there, right? Experience is good. तो अभी हमने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की बोटिंग राइड ले ली है और अब यकीन मानिए एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के फ़ैन हैं वो ज़रूर यहाँ आएँ और एक बार इस पर एक्सपीरियंस करें। हम ज़्यादा रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाए अंदर की क्योंकि काफ़ी लो लाइटिंग थी, बट विजुअली
बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और दूसरी चीज़ इसमें डिटेलिंग काफ़ी थी, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स के साथ अंदर जो भी एक्सपीरियंस क्रिएट किया गया है लोगों के लिए बहुत ही यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। तो जब भी आप आएँ इसका मज़ा ज़रूर लें। तुम ऑपरेट करिए इसको, सुपर कर दे फिर। अरे वाह, ऊपरी करिए, ऊपरी करिए। तो अभी हम नेक्स्ट राइड पे आ चुके हैं जो कि एक हॉर्स राइडिंग की तरह लग रही है और हमें लग रहा है इसमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो हम लेते हैं राइड और आपको बताते हैं इसके बारे में कि कैसी लगी हमें।